महाराष्ट्र की राजनीति में और अब तो केंद्र में भी ये माना जा रहा है कि किंग मेकर की भूमिका में शरद पवार हमेशा रहे हैं इसलिए उनका एक और इस तरह से सभी पार्टियां खासकर कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से देखती रही है एनसीपी का भी जो भी सब है आपको लगता है, इस सब के पीछे जो किंग पिंग है वो शरद पवार जी थे मैं ये कहूंगा कि पवार साहब किंग मेकर से भी ज्यादा किंग ब्रेकर है सरकारें तोड़ने में उनको एक बहुत महारत हासिल है और ये बात तो सही है अनुभवी नेता है तो ये सारी चीजें करते रहते उसमें तो कोई दोरा है नहीं तो शरद पवार साहब तो ये सारी चीजें चलाते रहते लेकिन आपके भी तो कुछ ऐसे अनुभव रहे ना क्योंकि वो रात कोई भूलता नहीं है और वो सुबह भी महाराष्ट्र के इतिहास <laughs> में और राजनीतिक इतिहास में लिखी गई है अब दर्ज हो गई है क्या हुआ क्या था उस दिन देखिये कुल मिलाकर पवार साहब के साथ ही हमने तय किया था जिस समय उद्धव जी ने हमको धोखा दिया और हमारे पीठ में छुरा घोपा तो हमने रिटेलिएट करने का निर्णय किया उस समय सामने से चलकर एनसीपी के कुछ लोग ये कह रहे थे कि हम नहीं चाहते कि तीन लोगों की सरकार बने स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनेगी महाराष्ट्र का नुकसान होगा हम चाहते बीजेपी के साथ आना हम लोगों ने चर्चा की शरद पवार जी से ही चर्चा की शरद पवार जी ने हामी भरी शरद पवार जी की हामी के कारण ही मैं और अजीत पवार हम लोगों ने सारी चीजें डिसाइड की बाद में शरद पवार जी हट गए उसकी क्या वजह रही अब वो तो वो खुद बता सकते हैं उसकी वजह आप मुझे क्यों पूछते उन्हें पूछिए जब वो हट गए तो अजित पवार ने ये स्टैंड लिया कि भाई ये गलत बात है हम तो जाएंगे और हमने शपथ ली उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ उसमें जिस प्रकार का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया उसके कारण अजीत पवार के लोग डिस्कालीफाई हो सकते थे इसलिए फिर वो वापिस चले गए तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं था

वो दो बातें बोल रहे हैं कि शायद आप उस वक्त प्राइमरी स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपको नहीं पता इतिहास में क्या हुआ था दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के साथ भी आपकी इसी तरह से वार चल रहे हैं ये जो राजनीति चल रही है संबंधों की और एक दूसरे पर इस स्तर पर जाकर परिवार को बीच में लाकर कटाक्ष करने की वो आपको लगता है कि गलत ट्रैक पर चल रहा है सब कुछ हंड्रेड परसेंट गलत है देखिए परिवार को लाना ये गलत ही है और इसलिए मैंने मैं कभी इस लहजे में बात नहीं करता हूं मैंने हमेशा कुछ सिद्धांत अपने कायम रखे लेकिन जिस समय उद्धव जी ने बात कही उस समय मैंने उनको ओपन चैलेंज दिया कि मेरे बारे में मेरे परिवार के बारे में आपके पास जो होगा जो आप लाइए मैं ओपन चैलेंज देता आज भी मैं ओपन चैलेंज देता हूँ क्योंकि हम खुली किताब की तरह जीते वी डोंट हैव स्केलेटन्स इन आवर क्लोजेट इसलिए हम डरते नहीं है और देखिए जहां तक पवार साहब का सवाल है तो मैंने जो बात कही उसमें गलत कोई बात ही नहीं थी मैंने क्या कहा मैंने कहा कि आप कहते शिंदे जी ने बेमानी की तो 1978 में शरद पवार जी वसंत दादा पाटिल के मंत्रिमंडल के मंत्री थे वन फाइन मॉर्निंग शरद पवार जी 40 लोगों को वसंत दादा के मंत्रिमंडल से लेकर बाहर निकले और बीजेपी के साथ ज्वाइन किया और मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे जी उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में थे 50 लोग लेकर बाहर निकले और हमारे साथ सरकार बनाई जो शरद पवार जी ने अठहत्तर में किया था वही अगर उद्धव ठाकरे जी ने दो में किया तो अगर पवार साहब ने जो कि वो बेमानी नहीं है वो एक पॉलिटिकल विजडम है तो शिंदे जी ने की बात बेमानी कैसे हो सकती है दैट इज पॉलिटिकल विजडम उल्टा शिंदे जी तो हमारे साथ चुनकर आए थे तो वही चीज पवार साहब को एकदम ऐसा लगा उन्होंने कहा कि तो उनकी बात तो सही है उन्नीस में मैं प्राइमरी स्कूल में ही था लेकिन मेरे प्राइमरी स्कूल में होने से इतिहास थोड़ी बदलता है इतिहास तो वैसे ही रहता है अब हम इतिहास पढ़े अब शिवाजी महाराज के समय तो हम पैदा ही नहीं हुए थे लेकिन इतिहास तो वही है तो ऐसे ही जो आपने किया वो इतिहास तो बदलेगा नहीं